जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उन्होंने जो भी YouTube सेटिंग बताया हमने अपने चैनल के साथ में कर लिया। उन्होंने जो भी तरीके से वीडियो अपलोड करने के लिए कहा हमने उसी तरीके से वीडियो अपलोड किया। हर वो काम दोस्तों हमने कर लिया अपने चैनल के साथ में जो कि बड़े बड़े क्रिएटर बताते हैं, बट फिर भी हमारे वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारा वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है। जितने भी न्यू क्रिएटर हैं दोस्तों यही सोच रहे आजकल सारे लोगों का, मतलब हमारे वीडियो पे कमेंट आता है कि हमारे वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। हम वो सारे काम कर लिए जो भी आपने भी बताया, जो भी बड़े क्रिएटर बताते हैं वो सारा कर लिए, बट फिर भी व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इस चीज़ों से परेशान हो तो इस वीडियो को देख लो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, दो चीज़ें बताऊँगा करने को। ये दो चीज़ें दोस्तों समझना जरूरी है, अगर आप ये चीज़ें समझ गए ना तो दोस्तों आप ये कभी नहीं कहोगे कि हमारे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके वीडियो पे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों उससे ज़्यादा व्यूज़ आने वाले आपके दोस्तों कई वीडियो दोस्तों आपके वायरल भी हो सकते हैं, आपको अच्छा खासा व्यूज़ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, आपको क्या करना है सब कुछ बताने वाला हूँ। यार इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट दोस्तों इस वीडियो का मिस मत करिएगा, वरना फिर आप यही कहोगे यार हमारे वीडियो व्यूज़ बढ़ क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरह कुछ वीडियो लेकर आऊँ यार सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख सको। यार वीडियो ज्यादा लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। अब दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे अपने पहले तरीके की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों आपको पहला तरीका पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप दूसरा तरीका समझ पाओगे। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों इस वीडियो को। आप दोस्तों पहले आप डिसाइड करना पड़ेगा आपको यूट्यूब पर कि आपने किस कैटेगरी का चैनल बना रखा है। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आज अपने चैनल पर आपने कुकिंग वाले वीडियो अपलोड कर दिए, कल ब्लॉगिंग कर रहे हो, कल उसी पे गेमिंग वाले वीडियो अपलोड कर रहे हो, मतलब कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं किया। ऐसा कभी मत करना। जब भी आप यूट्यूब पर चैनल बनाए हो तो एक कैटेगरी डिसाइड कर लेना कि हम इसी तरीके का चैनल बनाएंगे, इसी तरीके का वीडियो अपलोड करेंगे, या तो कुकिंग वाले वीडियो अपलोड करेंगे या फिर गेमिंग वीडियो अपलोड करेंगे, एक डिसाइड कर लेना। ठीक है, एक नीच लेके चलना। अब मान लो दोस्तों कि आपने यहाँ पर एक कैटेगरी डिसाइड कर लिया कि आप इस तरीके की वीडियो अपलोड करोगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको YouTube पर ये चीज देखना है कि आपके कैटेगरी में आपसे बड़े बड़े कितने यूट्यूबर है। जितने भी यूट्यूबर दोस्तों आपके कैटेगरी में आपसे बड़े यूट्यूबर है उनका एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ ये बंदे हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है, लाखों सब्सक्राइबर है, इनकी तरह ही मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि इन्हीं को देखकर मैं मोटिवेट हुआ था और इन्हीं की तरह मुझे वीडियो बनाना है। ठीक है, आपने एक लिस्ट बना लेना है, क्योंकि दोस्तों आपकी वीडियो जो देखेगी ना, जो भी ऑडियंस आपकी वीडियो देखने वाली है यूट्यूब पर, ये सारे ऑडियंस दोस्तों इन्हीं के पास है जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर है। उनकी वीडियो अगर ऑडियंस देख रही है, वही ऑडियंस दोस्तों आपकी वीडियो देखेंगी, क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह वीडियो बनाने वाले हो, आपने कैटेगरी डिसाइड कर लिया। अब उनकी ऑडियंस को क्या पसंद है, उनकी ऑडियंस इस वक्त कौन सी वीडियो देख रही है, ये आपको पता करना है। बहुत ही आसानी तरीके से आप पता कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपके जितने भी आपके कैटेगरी में बड़े यूट्यूबर है उनका चैनल आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों वहां पर एक वीडियो का सेक्शन मिलेगा, उस वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर, ज्यादा पुराना वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको सारे उनके वीडियो को देखना है कि उनके वीडियो पे कितने कितने व्यूज आ रहे हैं, उनका एक एवरेज व्यूज आपको देखना है। आप देखोगे कि उनके वीडियो पे हर एक वीडियो पे 10,000, 20,000, 10,000, 20,000 ऐसे व्यूज आ रहे होंगे, मान लो ऐसे व्यूज आ रहे होंगे, लेकिन किसी वीडियो पे 1,00,000, 2,00,000 व्यूज आ गया, जो कि बाकी वीडियो से काफी ज्यादा व्यूज है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फील्ड में जो भी ऑडियंस है, जो भी व्यूअर है, जो आपकी वीडियो देख रही है, उसको इस तरह की वीडियो में ज्यादा रुचि है, मतलब ज्यादा उनको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहा है। ये टाइटल जो है आपकी कैटेगरी के ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आपको किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, इसी टाइटल पे आपको वीडियो बनाना चाहिए जिस पर ज्यादा व्यूज मिला, क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर है। अगर वो वीडियो अपलोड किए तो उनके सारे वीडियो पे इतना व्यूज नहीं है, सारे वीडियो पे लाखों व्यूज नहीं है, लेकिन किसी वीडियो पे लाखों व्यूज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वीडियो आपके कैटेगरी के जो भी ऑडियंस है उनको ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अगर आप बिल्कुल न्यू यूट्यूबर है तो आप अगर आप इसी टाइटल पे वीडियो बना दोगे तो आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि बड़े क्रिएटर का चैनल ओपन करके वीडियो वाले सेक्शन में जाके आप पुरानी वीडियो को देखो, जो 1 साल पहले अपलोड होगा, 2 साल पहले अपलोड होगा, उस वीडियो पे देखोगे तो करोड़ों व्यूज होगा, और आप उसी तरह का वीडियो अब अपलोड कर दोगे तो आप व्यूज नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वो जब बंदा वीडियो अपलोड किया था तो उस टाइम पे उस टाइटल का डिमांड था, तो उस वक्त वो वीडियो अपलोड किया, उस वक्त की ऑडियंस देख ली, बट अभी उस वीडियो को कोई देखना नहीं चाह रहा है, तो अगर अभी आप उस तरह के वीडियो अपलोड करोगे तो कोई देखेगा नहीं। इसलिए टाइटल इंपॉर्टेंट है, किस टाइटल वीडियो अपलोड करोगे ताकि लोग देखें। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आप ये जान जाओगे कि आपके कैटेगरी में जो भी ऑडियंस है, जो वीडियो देखना चाहती है, वो कौन सा वीडियो ज्यादा देखना चाहती है, कौन सी वीडियो उनको ज्यादा पसंद आ रहा है। मतलब आप अपने कैटेगरी का ट्रेंडिंग टॉपिक पता कर लोगे यार कि किस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहा है, जिस पे ज्यादा व्यूज आ रहा है आप उसी तरह का वीडियो बना दो।
आप क्यों फालतू में इधर उधर का वीडियो बना रहे हो? वो वीडियो बनाओ ना जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके कैटेगरी में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका चैनल ओपन करिए और सिर्फ एक महीने के अंदर उन्होंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियो में जिस पर ज्यादा व्यूज हो उस वीडियो को टारगेट करो। देखो उनकी वीडियो में उन्होंने क्या बताया है, किस तरीके से वीडियो बनाया, उसी वीडियो को आप कॉपी करो। अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आपके जितने भी वीडियो पे व्यूज आते होंगे ना उससे ज्यादा व्यूज आपको मिलेगा। ये तो था दोस्तों अपने कैटेगरी का एक ट्रेंडिंग टॉपिक पता करने का तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे तो 100% आपको व्यूज मिलने वाला। और अब दोस्तों आपको पहले बता दूं कि यार वीडियो को लाइक कर दो, आप बाद में वीडियो भूल जाते हो लाइक करना, ठीक है, लाइक कर दो, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं ना इससे 100% आपको अच्छा खासा व्यूज मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इससे अगर आप बिल्कुल नया यूट्यूबर हो, बिल्कुल नया चैनल स्टार्ट किया हो, फिर भी आपको व्यूज मिलेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर आप नया चैनल बनाते हो ना तो अपने फ्रेंड से, फैमिली रिलेटिव से कहकर या फिर जो न्यू यूट्यूबर होते हैं उनसे कह के आप सब्सक्राइब करा लेते हो, सब फॉर सब कर लेते हो। इससे आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं बट वो सब्सक्राइबर आपके कैटेगरी के होते नहीं है तो आपकी वीडियो देखते भी नहीं है। तो सब्सक्राइबर सिर्फ रह जाते हैं आपके चैनल पर लेकिन वीडियो आपकी वॉच नहीं करते, और आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो वो सब्सक्राइबर आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं। यूट्यूब ने नोटिफिकेशन उनके पास भेजा, यूट्यूब ने आपकी वीडियो का इंप्रेशन भी भेजा बट वो सब्सक्राइबर आपकी वीडियो को देखते नहीं है तो आपकी वीडियो और डाउन हो जाती है। फिर यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड भी नहीं करता है, यूट्यूब आपकी वीडियो का इंप्रेशन भी भेजना बंद कर देता है, तो ऐसे आपका चैनल डाउन हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप ये गलती कर भी चुके हो तो घबराना नहीं है, ऐसे में करना क्या चाहिए, आपको बिल्कुल सर्चेबल टॉपिक वीडियो बनाने चाहिए ताकि लोग सर्च करें और आपकी वीडियो उनके सामने जाए और वो आपकी वीडियो को देखे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात यहां पर ये आती है कि सर्चेबल टॉपिक मिलेगा कहां से? बिल्कुल मिलेगा, आपकी कैटेगरी चाहे जो भी कैटेगरी हो दोस्तों आप सर्चेबल टॉपिक पता कर सकते हो अपने कैटेगरी में भी। कैसे? चलिए मैं आपको पूरा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। आपको दोस्तों यूट्यूब अपना यहाँ पे ओपन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब ओपन करने के बाद से आप अपने कैटेगरी का जो भी वीडियो अपलोड करना चाहते हो, जो भी वीडियो का टाइटल है, कोई भी एक वीडियो का टाइटल लेकर आप यूट्यूब पे सर्च कर देना, ठीक है। जब सर्च करोगे देखोगे कि बड़े बड़े क्रिएटर जो वीडियो बनाए हैं अभी बनाए होंगे या फिर कई साल पहले बनाए होंगे उनका वीडियो रैंक कर रहा होगा, ठीक है, तो उनके वीडियो को ओपन नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे थ्री लाइंस दिखेगा, थ्री डॉट दिखेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड डेट, कि वीडियो कब अपलोड हुई थी। यहां पे क्लिक करोगे तो हर एक ऑप्शन यहां आपको दिखेगा कि लास्ट घंटे में कब अपलोड हुई थी, ये दिखाएगा, टुडे दिखा देगा, आज जिसने अपलोड किया है, इस हफ्ते जो अपलोड किया है, इस महीने जो अपलोड किया है, इस साल जो अपलोड किया, सारा ऑप्शन यहां पे शो करेगा। आपको यहां पर क्या सिलेक्ट करना है, यहां पर आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, लास्ट आवर सिलेक्ट कर लो कि पिछले घंटे में किसने किसने वीडियो अपलोड किया इस टाइटल पे। अगर कोई वीडियो ना दिखे तो आप यहां पे टुडे सिलेक्ट कर लेना कि आज पूरे 24 घंटे में किसने किसने वीडियो अपलोड किया। आप चाहो तो दिस वीक कर सकते हो या दिस मंथ कर सकते हो कि इस महीने में किसने किसने वीडियो अपलोड किया, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर दो। अब जिसने भी दोस्तों इस वीडियो को आज अपलोड किया इस टाइटल पे, जो मैंने लिख रखा है कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, जिसने जिसने भी वीडियो अपलोड किया आज उनका सारा वीडियो यहां पे शो करेगा। मैंने अपने कैटेगरी का टाइटल लिखा है और ये हमारे कैटेगरी के यूट्यूबर है जिन्होंने इस पर वीडियो बनाया है और इनके कम व्यूज है, इसका मतलब ये न्यू यूट्यूबर है, ठीक है। आपको यहां पर न्यू यूट्यूबर शो कर गए, ठीक है। अब आपको करना है क्या, इनका व्यूज देखोगे तो इनका व्यूज बहुत डाउन दिखेगा आपको, बहुत ही कम व्यूज दिखेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से कोई भी एक चैनल आप ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो सबसे जो ऊपर शो कर रहा था उसको ओपन कर सकते हो, चाहो तो आप सेकंड थर्ड वाला भी ओपन कर सकते हो, कोई भी। चलिए हम यहां पर एक चैनल ओपन कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आपको यहां पर करना क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर यहां पर एक चैनल दिख रहा है, ठीक है, इसी चैनल को ओपन कर लेते हैं। जब अगर इस चैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप सब्सक्राइबर इसे तकरीबन 6000 के आसपास इसके सब्सक्राइबर यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। आपको सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, सब्सक्राइबर इसके कम है, ठीक है, मतलब न्यू यूट्यूबर है। यहाँ पर वीडियो पे आपको सेलेक्ट करना है, वीडियो पे सेलेक्ट करके आपको इसी वीडियो का व्यूज दिखना है, बस उसी तरीके से। आप देखोगे किसी पे 40, 183, 232, यहाँ पर 4.1K व्यूज, बाकी वीडियो का व्यूज देखोगे तो कम, इस वीडियो पे व्यूज ज्यादा, इसका मतलब ये तो नई यूट्यूबर है और इस पर इतना ज्यादा व्यूज है, इसका मतलब इसकी वीडियो लोग सर्च कर रहे होंगे, इसकी वीडियो शो कर रहा होगा, जाहिर सी बात है सर्चेबल टॉपिक हमें मिल गया। बाकी वीडियो पे व्यूज देखो, इस वीडियो पे 5 दिन में 27,000 व्यूज है, इतना तो इसके सब्सक्राइबर नहीं है, तो ये व्यूज कहां से आए, सर्चेबल टॉपिक है ये। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि लोग इस टॉपिक को सर्च करेंगे, आपकी वीडियो टॉप पे शो करेगा, लोग आपकी वीडियो को देखेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस तरीके आपको नए सब्सक्राइबर मिलेंगे, ठीक है। यहां पर भी आप दोस्तों देख सकते हो कि बाकी वीडियो पे व्यूज कितने कम है और इस वीडियो पे व्यूज इतना ज्यादा, मतलब क्या है ये, अगर आपके कैटेगरी जो भी न्यू यूट्यूबर है, अगर वो यूट्यूबर इस तरीके के वीडियो अपलोड करे जो सर्चेबल टॉपिक पे है तो आपको ज्यादा व्यूज मिलने वाला है। जैसे दोस्तों आपको यहां दिखा दिया, आप यहां भी देख सकते हो कि 3 हफ्ते के अंदर इस पर व्यूज 74 के आ गया, लेकिन उसी 3 हफ्ते में इस वीडियो पे व्यूज देखो कितना कम है और इस वीडियो पे व्यूज 14 के आ गया 3 ही हफ्ते के अंदर, और बाकी वीडियो पे देख सकते हो दोस्तों 3 हफ्ते के अंदर व्यूज कितने कम है, मतलब क्या हुआ, ये जो वीडियो थे जिस पर ज्यादा व्यूज आया ये सर्चेबल टॉपिक है आपके कैटेगरी में। तो आप भी अपने हिसाब से अपने कैटेगरी का कोई भी एक टाइटल सर्च करना, फिल्टर का यूज करके जो भी वीडियो अपलोड किए होंगे, आज अपलोड किए होंगे या फिर इस हफ्ते में जो भी अपलोड किए होंगे, उसमें न्यू यूट्यूबर को सर्च करना, न्यू यूट्यूबर के चैनल पे जाना और उनके वीडियो पे अगर किसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए, इसका मतलब क्या बात है,
जाहिर सी बात है कि वो वीडियो, जाहिर सी बात है लोग सर्च किए होंगे, उसकी वीडियो शो किया होगा, लोग उस वीडियो को देखे होंगे, उसके तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं जितने उसके व्यूज़ है। इस तरीके से आपको अपने कैटेगरी में सर्चेबल टॉपिक मिल जाएगा और यहाँ से आपको अच्छा खासा व्यूज़ मिलने वाला है। जहाँ दोस्तों हम भी जब न्यू यूट्यूबर थे दोस्तों तो इसी तरीके का सर्चेबल टॉपिक निकालते थे और उस वीडियो में दोस्तों आज भी व्यूज़ आते हैं। तो इस तरीके से आप एक सर्चेबल टॉपिक पता कर सकते हो। आज आपको जो भी चीज़ें बताया हूँ, अगर आप इस तरीके से वीडियो अपलोड करोगे तो 100% दोस्तों आपको व्यूज़ मिलेगा। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस टाइटल में भी वीडियो बना लेंगे बट उनको व्यूज़ नहीं मिलेगा। रीज़न क्या होगा पता है? कि आपकी वीडियो सर्च में नहीं जा रहा है, आपकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं कर रहा है। क्या गलती कर रहे हो भैया? आप अपलोड करने का तरीका ही सही नहीं कर रहे होगे, SEO सही नहीं कर रहे होगे, तो आपकी वीडियो सर्च में कहाँ जाएगा? सर्च में वीडियो ऐसे नहीं जाता है। सर्च में वीडियो अगर आपको भेजना है तो भैया आप यहाँ पे क्लिक करो, जाके इस वीडियो को देखो। इस वीडियो मैंने बता रखा है कि अगर आपने वीडियो को सर्च में भेजना चाहते हो तो इस तरीके से कीवर्ड का इस्तेमाल करो, इस तरीके से टैग्स लगा, तो किस तरीके से उसमें कीवर्ड लगाने, कीवर्ड कहाँ से लेना, सब कुछ बता रखा हूँ यार। तो यहाँ पे क्लिक करो, इस वीडियो को देखो, और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो यार, काम आएगा आपके ये चैनल। ठीक है, और मिलता है उस नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।